क्म की कंडीशन में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंटेनर में मौजूद होंगे अब दूसरा बोथ द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल रेट्स के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाती है तीसरा पॉइंट ये हम पढ़ चुके तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट चेंज इसने नहीं लिखा इक्वल होंगी इसने ये लिखा है कि इक्लिब्रिम के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की है और जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है ये आपकी चेंज नहीं होगी कांस्टेंट हो जाएंगी ये कभी नहीं लिखा कि इसमें इक्वल हो जाएंगी ये कोई जरूरी नहीं है मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी फिर उसके बाद नहीं बदलेंगी ये वैसा ही है जो संडास में डब्बा था संडास में डब्बे में पानी का लेवल चेंज हो रहा था क्या नहीं समझ में आ गया अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो अब कैटलिस का क्या काम होता है अगर आप लोगों ने इक्लिब्रिम की कंडीशन में कैटलिस को एड कर दिया तो ये कभी भी कैटलिस्ट क्या करता है इकलीब्रिम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता समझो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर आपने कैटलिस्ट डाल भी दिया ठीक है पहले लिख देते हैं विदाउट कैटलिस्ट अगर विदाउट कैटलिस्ट देखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे विद कैटलिस्ट अगर आपने मान लो ये काम करा है विदाउट कैटलिस्ट भी जब इक्म अटेन होगा मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की 10 है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं 5 है ऐसा मान लेते हैं कैटलिस्ट uh. अगर आपने डाल भी दिया तब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्लिब्रियम पे 10 ही होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्लिब्रियम पे 5 ही होगी उनमें कोई फर्क नहीं आएगा समझो इस चीज को ना दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्लेब्रियम वो कभी भी की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता समझ में आ गया बहुत बढ़िया शाबाश!